वेलकम बैक टू माई ओरिजिनल घर की रेसिपी। घर की रेसिपी में आज बहुत ही हेल्दी भिंडी की सब्जी बनाई हूँ। भिंडी की सब्जी तो आप खाते ही हैं, एक ही तरह की सब्जी खा खा के हम बोर हो जाते हैं। तो मैं कुछ नई ट्रिक से बनाई थी पिछले सप्ताह, घर में हम बहुत पसंद आया सबको। ये भिंडी दो प्याजा है, ये मैं कुछ नए तरीके से चटपटा सा बनाई हूँ। भिंडी ग्रीन सब्जी है, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल है, हरी सब्जी है तो हेल्दी है। अगर हम इसे अच्छे से बनाए तो सभी खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। मतलब सब्जी ग्रीन वेजिटेबल सभी को पसंद आएगा। इस तरह से अगर आप बना के खिलाएंगे तो हरी सब्जियां आपके सभी घर में, सभी बच्चे भी खाएंगे, बूढ़े भी खाएंगे, सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। और ये भिंडी की सब्जी, ये भिंडी दो प्याजा है, इस तरह से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आने वाला है। ये इसमें बहुत ज्यादा तेल नहीं है, आप देख सकते हैं, एकदम अच्छा परफेक्ट है। ग्रेवी भी ज्यादा नहीं है, आप इसे चपाती के साथ या पराठे के साथ कोई भी चीज के साथ सर्व करें, सब बहुत तारीफ करेंगे और पसंद भी आने वाले। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो में बने रहें तो मैं दिखाती हूँ आपको इसे मैं कैसे बनाए। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए मैं भिंडी को अच्छे से धो ली हूँ, ये देख सकते हैं भिंडी एकदम क्लीन है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। कभी तो भिंडी की सब्जी बनाए, कोई भी तरीके से आप बनाए, उसे पहले आधा घंटा पहले धो ले ताकि उसका पानी अच्छे से सूख जाएगा और आप काटेंगे तो चिपचिपा नहीं रहेगा। नहीं तो अगर हम तुरंत धो के काटते हैं तो एकदम वो खराब जैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। या फिर भिंडी को कभी कट करने के बाद तो बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, धो लेना चाहिए, काटने से पहले हमेशा उसको धोना चाहिए। तो मैं धो ली हूँ, ये सूख गया, पानी नहीं है, अभी से हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो आज मैं भिंडी तो प्याजा बनाने के लिए भिंडी को इस शेप में कट कर ली हूँ। आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे भी नहीं कट करना और बहुत बड़े पीसेस में भी नहीं कट करना, इस शेप में मैं कट कर ली हूँ। ये हो गया हमारा टमाटर, ये हो गया कटा हुआ प्याज, मैं दो बड़े साइज की प्याज कट की हूँ क्योंकि प्याज इसमें ज्यादा रहना है, तब भिंडी तो प्याजा बहुत टेस्टी बनती है प्याज से। और ये हो गया अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का मैं पेस्ट तैयार कर लूंगी, हरी मिर्च, और ये हो गया हमारा धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर हाफ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर, और ये हो गया गरम मसाला, और ये हो गया हमारे राई के दाने, सरसों के दाने। ये येलो सरसों का जो टेस्ट है इससे बहुत अच्छी सब्जी बनेगी आपकी, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। सब्जी बनाने के लिए मैं तेल डाली हूँ, तेल गर्म हो गया है, उसमें हम ये पांच चीजों से मिक्स जो हमारे पांच फोड़न है ये डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। दो तेज पत्ते इसे अच्छे से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। फोड़न पक गया है, अब इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए मैं प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। प्याज को फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो देखिए प्याज मैं 2-3 मिनट फ्राई की हूँ, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च जो मैं रखी थी, जो चाट फोड़ में मैं जो मिर्च को चाट करके इसमें डाल दी हूँ। सबको अच्छे से 2 मिनट तक और फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई हो गया है, हम गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे। इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये हो गया रेड चिली पाउडर। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि मैं अभी धनिया पाउडर जो है ड्राई वाला डाल दी हूँ, यानी कि सूखा पाउडर ही डाल दी है, तो वो थोड़ा सा चिपकने लगता है। तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फ्राई करने में आसानी होगी। हम इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, तो इसे अच्छे से फ्राई कर लें 3 से 4 मिनट तक। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसका पानी सूख गया है, यानी कि मसाला भी फ्राई हो गया है, कच्चापन नहीं है। हम इसमें कटे हुए भिंडी को कट किया हुआ है इसमें ऐड करेंगे, सारा मसाला ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। भिंडी मिक्स हो गया है अच्छे से, मैं हम इसे कवर करेंगे। मैं इसे कवर कर दी हूँ, कवर करके इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें और 2-3 बार ऐसे कवर हटा के बीच बीच में चलाएं आप। 3 से 4 मिनट हो गया है, हम कवर हटा के एक बार चला लेते हैं अच्छे से। इस तरह आप देख सकते हैं भिंडी जो है फ्राई हो गया, रंग भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला,
इन सभी चीजों को मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए इसे हम फ्राई करेंगे, यानी कि गरम मसाला भी फ्राई हो गया, तेल भी थोड़ा थोड़ा ये भी निकल रहा है, छूट रहा है, देखा लगता है मसाला फ्राई हो गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसमें ऐड करेंगे राइस के दाने जो मैं पीस के रखी हूँ मिक्सर जार में, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर ली हूँ। ये हो गया राई के दाने यानी कि सरसों के दाने के मैं पेस्ट तैयार कर ली, सरसों का पेस्ट तैयार है, मैं इसमें ऐड की हूँ। अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स फ्राई करना है। सारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, खुशबू अच्छी आ रही है और भिंडी भी दिख रहा है कि फ्राई हो गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी ज्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ही ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है। ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसलिए मैं थोड़ा ही पानी ऐड की हूँ। इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है, मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। तो सब्जी बनके तैयार है, मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया के पत्ते इस तरह से डालूंगी, इससे खुशबू अच्छी आएगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम कवर करके 2 मिनट के लिए ढक देंगे, कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, गैस ऑफ है, इससे इसकी खुशबू अच्छे से फैल जाएगी, फिर हम इसे सर्व करेंगे। फाइनली गाइस, भिंडी की सब्जी बनके रेडी है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, टेक्सचर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इस तरह से भिंडी की सब्जी बना के खाएं, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।